हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम लोग आज बात करने वाले हैं उन भर्तियों के बारे में जिनकी विज्ञप्ति जो है आपके जनवरी या फरवरी महीने के अंदर जो है जारी कर दी जाएगी। और राजस्थान की बहुत ही चर्चित यहाँ पर ये वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो अगर आपकी तैयारी यहाँ पर पूरी, जैसे कि आपको पता है कि आप लोग यहाँ पर पहले रीट एग्जाम दे चुके होंगे, आप लोग जिन्होंने भी रीट का फॉर्म भरा होगा, आप लोगों ने यहाँ पर पटवारी का एग्जाम दे दिया होगा, आपने यहाँ पर वीडियो का एग्जाम दे दिया होगा। अब वो जो आपकी तैयारी है पूरी की पूरी, अगर आपके लगता है कि उनमें आपका सिलेक्शन हो चुका है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिन विद्यार्थियों को लग रहा है कि उनमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है या मेरे नंबर कम आ रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर एक गोल्डन चांस है। इस बार राजस्थान सरकार जो है 2022 के अंदर लगातार वैकेंसी पर वैकेंसी यहाँ पर दी जा रही है, और आप सभी के लिए ये सुनहरा मौका है कि हमें ये मौका से नहीं जाने देना है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी वैकेंसी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में ही बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर स्कूल लेक्चरर और यहाँ पर कॉलेज लेक्चरर, ठीक है। तो इसकी वैकेंसी भी यहाँ पर आपकी जल्दी यहाँ पर जारी हो जाएगी, जहाँ तक मान सकते हैं कि फरवरी के अंदर अंदर इसका जो यहाँ पर नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग बात करते हैं, देखो यहाँ पर कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जो कि यहाँ पर अटकी हुई हैं, हालांकि वो 2021 में यहाँ पर आपकी अपडेट की जानी थी लेकिन वो नहीं हो पाई थी, लेकिन 2022 के आपके स्टार्टिंग में जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, ये तो आपकी वैकेंसी है पर कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती है आपकी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो वनपाल है, वन रक्षक है, ठीक है। मैं आपको एक नोटिस दिखाता हूँ यहाँ पर, पहले देखिए, देखो यहाँ पर हम बात करते हैं कि राजस्थान के बेरोजगार एकीकृत महासंघ के यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ पर विपिन यादव, ठीक है। इन्होंने कहा है कि प्रदेश में पिछले लंबे समय से कंप्यूटर अनुदेशक के साथ ही जयन, पशुधन सहायक, जलधारी, वनपाल, वन रक्षक, ठीक है, और साथ ही प्रयोगशाला सहायक, यानी कि आपकी जो लैब असिस्टेंट वाली जो भर्ती है वो लंबित यहाँ पर चल रही है, जिसकी वजह से प्रदेश के लाखों बेरोजगार परेशान हो रहे हैं। ऐसे में आज हमने मांग रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो विपिन यादव है, इन्होंने यहाँ पर मांग रखी है, और इन्होंने मांग क्या रखी है यहाँ पर कि जल्द से जल्द भर्ती परीक्षा का जो कहे कैलेंडर यहाँ पर जारी होने के साथ ही कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाए। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन जो है आपको जल्दी, यानी कि जनवरी महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और लगभग हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, तो लगभग आपको 10,000 के आसपास वैकेंसी जो है कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। ताकि प्रदेश के, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, स्कूलों में 10,000 से ज़्यादा पदों पर नए शिक्षकों की नियुक्ति हो सके यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो कंप्यूटर शिक्षक हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट है, अभी उन पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, लेकिन ये सरकार पता नहीं क्यों नहीं निकाल रही है, ठीक है, इसलिए इन पर जोर दिया जा रहा है। तो 10,000 के आसपास आपके यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है कंप्यूटर अनुदेशक की, और जनवरी महीने के अंदर आपका इसकी जो विज्ञप्ति है वो जारी हो जाएगी। सेकेंड जो मैं आपको बताया था यहाँ पर वैकेंसी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें मैंने लिखा नहीं है एक और, इसके अंदर लैब असिस्टेंट, ठीक है, उसका भी आप देखेंगे, लैब असिस्टेंट का भी, तो वो 2021 के एंड में इसका जारी होने की बात कही गई थी लेकिन वो नहीं हुई थी। तो उसका भी जो यहाँ पर नोटिफिकेशन है वो आप मान सकते हैं कि जनवरी महीने के अंदर अंदर ही, यानी कि आपके जितने भी वैकेंसी के नोटिफिकेशन आने वाले हैं वो जनवरी और फरवरी महीने के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। तो लगातार आपके पास वैकेंसी आने वाली हैं कंप्यूटर अनुदेशक की, हो चाहे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वनपाल हो, चाहे आपके यहाँ पर वन रक्षक हो, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर दिखाया भी था नोटिस आपको, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, देखो कंप्यूटर अनुदेशक की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर इन्होंने एक बात भी कही थी कि हमने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने कहा है कि फिलहाल कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती प्रक्रिया के लिए राजभवन से अनुमोदन नहीं आया, ऐसे में अनुमोदन आने के बाद विज्ञप्ति जारी कर भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और तो इनका कहने का मतलब ये है कि अभी तक वहाँ से अनुमोदन नहीं आया है, और जैसे ही अनुमोदन आ जाएगा, यानी कि हम मान सकते हैं कि जनवरी महीने के अंदर अंदर आपका यहाँ पर जो है यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर कर दी जाएगी, और इन्हीं के साथ में ही आपकी वनपाल की और वन रक्षक की भी आपके साथ में ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया था। देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वनपाल, वन रक्षक, जलधारी, पशुधन सहायक और जयन, साथ में आपकी ये कंप्यूटर प्रयोगशाला सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट, तो ये सभी वैकेंसी यहाँ पर लंबित पड़ी है बहुत दिनों से, ठीक है, पेंडिंग पड़ी है। अब इन्हीं को यहाँ पर जल्दी यहाँ पर फिलअप किया जाएगा, और जनवरी या फरवरी महीने, दो महीने आप लोग वेट कर सकते हैं, इनमें सारी वैकेंसी के आपके आपको टाइप मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और जैसे ही इनकी विज्ञप्ति जारी होती है सबसे पहले मैं आपको इस चैनल पर अपडेट करवा दूंगा आपको, ठीक है। और साथ में अगर आप यहाँ पर मुझसे पढ़ाते हैं मैथ और रीजनिंग, तो जल्दी मैं यहाँ पर अनिक्री पर क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अभी वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, वहाँ के जो स्टाफ है वो नहीं आ पा रहे हैं, इस कारण से मेरी क्लास थोड़ी यहाँ पर लेट चल रही है अनकेडमी पर, ठीक है। लेकिन 2 या 3 दिन के अंदर मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी अनकेडमी पर। तो जो विद्यार्थी चाहते हैं कि इनकी मैथ और रीजनिंग
और जहाँ तक है साइंस, ये 3 सब्जेक्ट आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। बिल्कुल देखो, साइंस में तो आप लोग ये नहीं कह सकते हम लोग 100% नंबर ला सकते हैं, लेकिन मैथ और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आप लोग श्योर कह सकते हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इनमें पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर अनेक में आपकी क्लास लगाने वाला हूँ, तो आप लोग थोड़ा पैसे बना के देखते रहना आप लोग। ठीक है, मैं आपको अपडेट यहाँ पर दे दूंगा। ओके, मिलते हैं फिर अगली अपडेट आपने, जैसा कि बाय बाय, थैंक यू सो मच।